खास बेहतर गया नहीं था, लेकिन गॉड्स आज चल रहे तो सब यहाँ पे उनके सामने मुश्किल में आ रहे हैं। मैच को पैन करके वहाँ पे मैच से बाहर किया जाएगा और इसी बीच हमें फाइव स्टार रेटिंग देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे अलादीन को मैच से बाहर बहुत जल्दी किया, वहाँ पे ऑडियन बिल्कुल मौका नहीं दिया। आज 12 के वेलकम काफी अच्छे तरीके से किया गया, दूसरे खिलाड़ी को भी नॉक करते हैं और बड़े ही संयम से, संयम जॉर्ड ये संयम तो बहुत कमाल है। इस प्लेयर ने S12K के साथ जो वैल्यू निकाली वो गजब थी, बट अभी के लिए ऑटोबॉट्स वो मुश्किल में फंस चुके हैं। और जी यहाँ पे आखिरी प्लेयर है, उनके पर रश होता आपको नजर भी आ सकता है, मल्टीपल टीम्स इस विसिनिटी में आप देखने को मिलती है। मेडल की टीम का आगमन एक थर्ड पार्टी के रूप में होता नजर आएगा, बट स्प्रे को डाइस स्प्रे करने की कोशिश करी जो दे चिकल बट खुद बनाने ऑलमोस्ट लगा मुझे खुद के ऊपर फेंक देंगे रिबाउंड होके, बट ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा सा आगे गया, बट एक अच्छा नेड आपको देखने को मिला। पैराडॉक्स एक प्लेयर को यहां पे गिराते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ वहां पे जो प्लेयर बचे उनको कुछ ना कुछ मैजिक करना पड़ेगा, बट जी नहीं, एक 1v2 पैराडॉक्स की तरफ से एक अव्वल दर्जे का क्लच देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं उनके जो टीममेट्स थे वो भी पीछे से कवर जरूर दे रहे थे, फंसते हुए करने की कोशिश करी, बट तीन इलाकों से यहाँ पे टीम सोल के प्लेयर्स गाड़ी लेके पुश करते हुए आपको नजर आएंगे। डीपीएस का एक्शन आपको झेलना पड़ेगा, एक नॉक टीम सोल का, दो नॉक हो सकते हैं। माइटी यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे प्लेयर्स गिराते आपको नजर आ रहे हैं, नहीं इस डेड इट वंस अगेन टीम सोल जो आए थे पूरे जोश के साथ अब अपने होश गंवा सकते हैं। एक प्लेयर अभी भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठे हुए ओमेगा के पास, वहां पे वो मैजिकल डीपीएस देखने को मिलती है, एंड ही हैज डन इट, ओमेगा द सेवियर फॉर टीम सोल एक बार फिर से कप्तानी पारी दिखाते हैं, बट लास्ट मैन अभी भी वहां पे एक 1v1 बैटल आपको देखने को मिल सकता है। टीम सोल का जो आखिरी प्लेयर है उनको यहां पे आना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बट ओमेगा इज देयर एंड ही इज डाउन, द सेवियर इज नाउ अक्षत जो बचा के जाएंगे टीम सोल को, बट किस कीमत पे, दो प्लेयर्स गवाए टीम सोल, बहुत मुश्किल, बिल्कुल काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। डेस्ट्रो की बात करें तो एक ग्रेनेड काफी अच्छा है, कनेक्शन क्या वहां पे बनाएगा, जी नहीं कनेक्शन कुछ खास उतना बना पाए नहीं। एडविनो काफी ज्यादा पीछे हैं, स्प्लिट खेलने की जो कोशिश थी वार की तरफ से वो काफी ज्यादा मुश्किल है उनके लिए, बढ़ा रही है बट काउंटर अटैक भी जा रहा है, इतना ज्यादा आसान नहीं हो रहा है अपोनेंट के लिए कि उन्हें डाउन कर पाए। बैट बॉय फिलहाल प्ले जोन से भी बाहर हो जाएंगे, इकलौते प्लेयर रहने वाले, क्या टीम को यहां से आगे लेके जा पाएंगे, इनके तरफ से पूछा जाता है स्पीरो, और यही हमें मुश्किलों में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एडमिनो की बात करें वो धीरे धीरे करके आ तो रहे, उनकी पोजीशन रिवील होगी, कनेक्शन वहां पे काफी बेहतर लेकिन इनफ नहीं था कि वहां पे नॉकआउट कर पाए। अच्छी बात रही कि उनके पास एक सॉलिड कवर है जिसके पीछे वो कुछ समय तक तो अपने आप को रोक के रखने वाले। सबसे बड़ी बात है ओआर के प्लेयर यहां पे जल्दबाजी नहीं कर रहे, उन्हें पता है सीढ़ियों में जाना कितना खतरा होता है और खतरे को यहां पे हटाया गया ग्रेनेड से ओआर की टीम का। कितनी बार इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि गॉडलाइक जोनाथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉक निकालना चाहिए यहां पे गाड़ी के अंदर, स्प्रे दिया गाड़ी फटेगी, नॉक हुए प्लेयर्स, बट इट वाज रियली क्रूशियल और जोनाथन को पिक्स कंफर्म करते नजर आएंगे, दो फिनिशेस फॉर गॉडलाइक जोनाथन। बिल्कुल काफी आराम से रास्ते में इनसेन के खिलाड़ी रहेंगे जो कि उनके मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, मैं अभी अभी जिसकी बात कर रहा था वो हमारे स्क्रीन में देखने को मिले भी, ब्लाइंड के नकल। अब मुझे लगता है यहाँ से अब बहुत जल्दी हमें फाइट होता हुआ देखने को मिलने वाला है, ब्लाइंड वर्सेस ओवर। ये ब्लाइंड ने ना लाइनअप भी बदली है, अपने नकुल को वापस लाया है मीरामार के मैप के लिए, एस पावर को रेस्ट दिया है, रैंगल में वो खेलते आपको नजर आते हैं, बट वहीं ओरांगुटान गेमिंग वो भी खत्म होते आपको नजर आएंगे। जोन का शिफ्ट आया और ब्लाइंड के मानिया जोन के बिल्कुल बीचो बीच, ये काफी एक अच्छा मूव है टीम ब्लाइंड, पहला मैच अच्छा गया नहीं था बट ब्लाइंड की वापसी ये साबित करती है कि कंसिस्टेंसी तो है, चाहे सेटबैक आए बट ये नीड जरूर आया मान्या के पास, कोई होगा नहीं कुछ फायदा उसका मिलेगा नहीं। एनडीटी भी इस मैच से बाहर होते आपको नजर आएगी, ओआर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको ओआर और ब्लाइंड के बीच में, बट एक प्लेयर जो नॉक है उसको रिवाइव यहां पे करना पड़ेगा, नीड आने की कोशिश भी यहां पे करी जा सकती है, बट यहां पे ओआर कोशिश करते हुए एडमिनो आएंगे, ब्लाइंड के एक प्लेयर को नॉक किया, गाड़ी ला के कुचलने की कोशिश, ड्राइव बाय इज हैपनिंग एंड ओआर से ये माउंटेन छीना जाएगा, बट नाउ इट इज अ टीम बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स इनसेन एंड टीम ब्लाइंड, जहां पे टीम ब्लाइंड के पास चार प्लेयर्स हैं वही इनसेन के पास केवल दो, अब मानिए उसको एक और कम कीजिए, एक प्लेयर है, एक 1v4 करना पड़ेगा जो पॉसिबल ही नहीं, एंड हियर यू गो एक बहुत शानदार जीत।